मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा मेनिएंथेस के सिम्टम्स और यूजेज बताने जा रहा हूँ। यह दवा कुछ प्रकार के सिरदर्द और सविराम ज्वर की औषधि है। उदर में ठंडापन, फड़कन, तनाव और दाब की संवेदना, स्त्रियों में चंचलता और मूत्र कष्ट, मधुमेह रोग, सिर के चाँद में दाब, हाथों से कसकर दबाने से कम हो, दोनों तरफ से दबाने जैसा दर्द हो, प्रत्येक कदम ऊपर उठने से मस्तिष्क में बोझ जैसी दाब, गर्दन की जड़ से सारे मस्तिष्क पर दर्द, झुकने से बैठने से कम हो, ऊपर चढ़ने से बढ़े, जबड़ों से चुरचुराहट और चेहरे की पेशियों में फड़कन, अमाशय में किसी भी समय पर प्यास न लगे, अधिक भूख मगर जरा सा खाने पर गायब हो जाए, मांस खाने की इच्छा, ठंडापन अंतरनली मुंह पर उठे, उदर तना और भरा हो, धूम्रपान से अधिक हो, उदर का ठंडापन, अंग में हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे लगे, ऐठन के साथ दर्द हो, लेटते ही टांगों में झटके आए और फड़कन हो, ज्वर ठंडापन अधिक प्रबल जो उदर में टांगों में और नाक के सिरे पर अधिक मालूम पड़े, रोग का घटना बढ़ना, आराम करने से, ऊपर चढ़ने से, प्रभावित अंग को दबाने से, झुकने एवं हरकत से रोग बढ़े या घटे तो इस दवा का प्रयोग करें। इस दवा की तुलना कैप्सिकम, पल्सिटला, कैल्केरिया, फास्फोरस एसिड से की जाती है। इस दवा की मात्रा 3 से 30 शक्ति अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।